नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार शर्मा, इंजीनियर एंड मेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस तरीके से हम प्रेस टूल जो होते हैं उनका साइज कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका है, किसी भी पार्ट के लिए कितना साइज रहेगा, ये हम एक एग्जांपल भी लेंगे और ये जानेंगे इस वीडियो के दौरान कि टूल का साइज मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे हम किसी भी पार्ट का कितने टन पे वो चलने वाला है, किस प्रेस पे चलने वाला है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेस टूल साइज जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे पास इनपुट होंगी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि जो हमारा पार्ट है पार्ट का साइज क्या है, यानी जो हमारा पार्ट है, जो हमारा कंपोनेंट है, अगर हम उसे अनफोल्ड करते हैं तो जो उसका ब्लैंक आएगा तो उसका साइज क्या रहने वाला है, ये हमारा इनपुट है। तो उसी से हमारा ये जो प्रोसीजर है ड्राइव होगा। हम मानते हैं कि हमारा जो पार्ट की थिकनेस है वो है 2 mm, विड्थ है मान लेते हैं 20 mm, और उसकी जो लेंथ है 100 mm, ये एक हमारा कंपोनेंट है। और हम मानते हैं कि ये कंपोनेंट में मान लो एक L बैंड है, L तरह का बैंड है, इसमें हम मानते हैं कि 3 ऑपरेशन होने वाले हैं। इसमें मानते हैं पहले ब्लैंकिंग, फिर बेंडिंग, फिर पंचिंग। पंचिंग और पियर्सिंग में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, और बेंडिंग और फॉर्मिंग में क्या अंतर होता है, इसके लिए भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ब्लैंक हमने कल मतलब हमने डिसाइड किया कि जो हमारा एल बैंड है उसमें कोई होल भी है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोसेस डिसाइड हो गया हमारा। हम इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं, और मान लो एक ब्लैंकिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, पंचिंग हो गया। तो अब हमें ये देखना है इस ब्लैंक साइज पे, मतलब 2 mm की थिकनेस है, 20 mm की विड्थ है और 100 mm की लेंथ है, और जो पार्ट है हमारा उसका ऑपरेशन है ब्लैंकिंग, बेंडिंग और पंचिंग, तो इसके जो टूल हैं उसका क्या साइज होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटी एक आपको आइडिया बताता हूँ कि कोई भी, अगर ये देखिए हमारे पास दो व्यू हैं, हमने एक जनरल एक टूल लिया है कि किसी भी टूल में 6 से 7 प्लेट लगाई जाती हैं, ये उसका साइड व्यू है, और ये उसी टूल का ये टॉप व्यू है। तो अब मैं आपको इसी के में समझाने की कोशिश करूँगा साइड व्यू और टॉप व्यू में कि किस तरह से हम जो पार्ट है उसका हम साइज मतलब सॉरी जो टूल है उसका साइज हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब मैं टॉप व्यू से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई टूल का साइज लेते हैं उसका तीन तरीके से आता है, लेफ्ट टू राइट इनटू फ्रंट टू बैक इनटू SH यानी शट हाइट। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट टू राइट चाहिए, फ्रंट टू बैक चाहिए। तो ये मैं टॉप व्यू से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से टूल का साइज निकल के आता है। तो फर्स्ट हम लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट किस तरह से आएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये ब्लैंक है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 mm और 100 mm। तो अभी हम बात करेंगे डाई की। तो देखिए अब कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं मैं बता दूं, हम भी टूल बनाते हैं, अगर टूल की जो थिकनेस 2.5 mm से ऊपर है तो हम हाउसिंग में जाते हैं। अभी जो हम आपको साइज बता रहे हैं, जो हम इस टूल का बता रहे हैं वो विदाउट हाउसिंग बता रहे हैं, फिर हम हाउसिंग का भी इसमें एड ऑन कर लेंगे लास्ट में। तो सपोज करो कि जो ब्लैंक की साइज है वो 20x100 है, तो जो हमारी डाई होगी यानी डाई प्लेट जिसको बोलेंगे, मैं लिखता हूँ डाई प्लेट, तो इसमें हम जो ये मार्जिन देंगे यानी ब्लैंक के बाद जो रहता है तो वो हमारा आएगा, अगर ये 2 mm की थिकनेस है,
45 से 50 mm, ठीक है। अब जो डाई बैक प्लेट है, जो डाई बैक प्लेट है वो भी होनी चाहिए 20 mm के आसपास, ओके। फिर उस पे लगता है पिलर सेट, ये भी एक बड़ा हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने का पिलर लगाना है। जो अभी आप यहाँ देखेंगे कि अभी हमारे पास जो जनरल पिलर सेट है, ये देखो मैंने उसका एक्स और वाई दिखाया है कि जो उसका पोस्ट होता है उसका कैसे रहता है, 25, 32, 38, 50। तो ये क्या है, 48x84, 58x100, 75x130, 90x155। ये क्या है, 25, 32, 38, 50, ये है जो पिलर है होता है उसका डाया, और ये उसकी पोस्ट का ये साइज है एक्स वाई, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो अभी हमने ये कैलकुलेट कर, ये मैंने आप हम समझ गए कि ब्लैंक के बाद 40 से 50 mm डाई में, और डाई मतलब डाई बैक प्लेट में 20 mm, फिर यहाँ पे लगभग 10 mm, फिर ये हमारा पिलर कि पिलर सेट, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें इस डाई में कितने का पिलर सेट यूज करना है। देखिए अब ये हमारा कैसे डिसाइड होगा, ये मतलब अगर मैं समझाऊं कि अगर कोई डाई 350 से ऊपर बैठ रही है एवरेज, है ना, तो उसमें हमें 32 का पिलर सेट लगाना चाहिए। अगर 300 से नीचे है वहाँ 25 का भी काम कर जाएगा, अगर 500 के आसपास है तो वहाँ 38 का लगाना चाहिए, और अगर 600 से ऊपर है वहाँ 50 का लगाना चाहिए। ये क्या है कि ये बेसिकली क्या है, जब आप डाइयाँ बनाते हैं तो ये कुछ जनरल प्रैक्टिस है कि जितनी जैसे जैसे डाई का साइज बढ़ेगा और थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे में हमें हायर पिलर सेट की तरफ जाना चाहिए। तो अभी हमने सोच, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा 100 है, तो 100 में हमें कितने का पिलर सेट लगाना चाहिए, 32, तो उसका साइज क्या है, 58, तो 58 ये है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं 60 mm, तो ये 60 mm हो गया है। फिर 10 mm और पकड़ लिया यहाँ पे एंड में, तो अब हम ऐड करते हैं हमारा टोटल कितना हो गया है, ये से 50, 60, 70, 80, 80 और 60, 80 और 60 हो गया 140, और 10 150, तो 150 वन साइड एक तरफ हो गया, 150 एक तरफ, तो 300 हो गया, और ये कितना हो गया, 100 का हमारा ब्लैंक हो गया, तो 400 हो गया है। तो हमारा लेफ्ट टू राइट कितना हो गया, 400, ठीक है। अब आता है फ्रंट टू बैक, कि फ्रंट टू बैक कैसे होगा, फ्रंट टू बैक कैलकुलेट करेंगे, हमारा 20 का ये हो गया है, सेम इधर वही कंसेप्ट रहेगा, 40 से 50, फिर ये 20 mm। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे हमारी क्लैंपिंग स्लॉट भी आएंगे, आप देखेंगे, तो ये हमें लगभग लगभग लेना पड़ेगा 60 से 70 mm। अगर हमारे पास नॉर्मल मशीन 60 से 70 mm, अगर हमारे पास नॉर्मल मैकेनिकल मशीन है तो ये हम 40 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊं तो ये हमें 60 से 70 mm लेना चाहिए। तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, 50 mm, सॉरी फिर ये 20 mm, तो 70 हो गया, और इसको ले लिया हमने 60 mm, तो ये 130 हो गया है, 130 एक साइड, 130 एक साइड, तो ये हो गया 260 और प्लस 20, तो ये क्या हो गया, 280, तो 280। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक, हमारी दो चीजें आ गई हैं। अब हमें कैलकुलेट करनी है डाई की सट हाइट, तो जब हम डाई की सट हाइट कैलकुलेट करते हैं तो देखिए उसमें मेजर क्या क्या रोल निभाता है, कि सट हाइट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, उसमें मेजर है थिकनेस का रोल है, और जो हमारा टूल है वो किस टन पे चलने वाला है इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि सेम पार्ट है 2 mm का है, और ये जो हमारा पार्ट है 20x100 का है, तो हम सपोज करो कि अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ब्लैंकिंग टूल का, तो ब्लैंकिंग टूल का जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम पहले इसका निकालते हैं कि इसमें इसको ब्लैंक करने के लिए हमें कितने टन की प्रेस लगेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें शेयरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा हमें, तो शेयरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए होता है कटिंग लेंथ
कटिंग लेंथ इंटू थिकनेस इंटू शेयरिंग स्ट्रेस और बट्टे 1000। तो देखिए अब हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ कितनी है, 20/100 का है। तो देखिए अगर मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो देखिए 100, 100, 200, 20, 20, 40, तो 240 हो गया है टोटल। तो 240 गुणा 2 mm। अभी क्या है, MS की जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो 45 होती है, लेकिन सेफ्टी फैक्टर लेते हुए हम उसे 65 कैलकुलेट करते हैं, यानी 65/1000। एक जीरो ये कट गई। अभी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये एक देखिए, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं 24 × 2 × 65 और डिवाइडेड बाई 100, ये 30 टन आ गया। तो सेफर और सेफर साइड चल लेते हैं हम, तो 50 टन प्रेस पे हमारा ब्लैंक बड़ी आराम से कट जाएगा। तो अभी जो 50 टन की प्रेस होती है उस अगर हम जो स्टैंडर्ड आती हैं न्यूमेटिक्स मशीन अगर उनकी बात करें तो उसकी जो 50 टन की सटाइट होती है वो 350 mm होती है। तो एक तो ये तरीका है कि सीधी सी बात है भाई हमारा 50 टन पे चलेगा, राइजर वाइजर लगा के 350 हाइट हो गई। दूसरा तरीका हम कैलकुलेट करते हैं, अब हमें पता लग गया कि 50 टन पे हमारी ये चलने वाली है। तो अभी देखिए अगर मैं 2 mm की थिकनेस के लिए बात करूं, जो टॉप बॉटम है वो हम 40 में कैलकुलेट करते हैं, 40-40 में, ठीक है। बैक प्लेट हम 20 में ले लेते हैं, दोनों बैक प्लेट हो गया। पंच हम ले लेते हैं 50 50 mm में। अभी पंच हम लेते हैं 80 mm से 100 mm तक ले लेते हैं। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 100 ये हो गया, ठीक है, ये 200, ये टोटल बैठ रहा है 250 mm। तो इसकी लेंथ बैठ रही है 250 यहाँ तक, ठीक है 250। फिर राइजर लगाएंगे 50 mm के, क्योंकि हमारा स्क्रैप नीचे गिरेगा, ब्लैंक नीचे गिरेगा, तो 300 mm। तो ये 300 mm आ गया। तो क्या आज हमने ये जाना है कि जो ब्लैंक टूल होगा उसका साइज क्या होगा, 400, 280 × 300। तो इस तरह से हम जो है प्रेस जो कंपोनेंट हैं उनका जो टूलिंग का साइज है, ये एकदम बेसिक मेथड है कैलकुलेट करने का। इससे आप समझ पाएंगे कि हमारा मेन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी इसी के बाद फिर बेंडिंग का भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, थोड़ा सा कम हो जाता है। पंचिंग का भी इसी तरह से कर लेते हैं। अगर मैं अब इसी में बात करूं, मान लो अगर थिकनेस अगर हमारी ये 4 mm हो जाती तो फिर हमें इस पर एक हाउसिंग डालनी पड़ती। तो हाउसिंग अगर हम 50-50 या 40-40 की भी डालते तो 80 mm इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है 80 mm इसमें प्लस हो जाएगा। और फिर हमारा ऑफकोर्स जब थिकनेस बढ़ जाएगी तो टनेज बढ़ जाएगा, उसी के हिसाब से ये हमें प्लेटें भी थोड़ी मोटी लगानी पड़ेंगी। और क्योंकि हमारी मशीन में सेट हो पाए हमारी डाई, तो ये सटाइट भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाई की बात करें, अगर 2/20/100 का अगर किसी पार्ट का हमारा ब्लैंक साइज है तो उसका ब्लैंक टूल 400, 280, 300 में बड़े आराम से बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको कैसा लगा? अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा अगर आपका कोई भी डाउट, इस तरह के डाउट हैं आपके पास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9045085537। नमस्कार।